कहाँ से हो आप? मैं ब्रांस से जी। थोड़ा ऊंचा बोलो। ब्रांस। ब्रांस वो कहाँ पर है? निसिंग के पास जी। निसिंग के पास। तकलीफ क्या है आपको? बस ये ऐसे मटकती रहती है जी बार बार। गर्दन कैसे मटकती है? ऐसे बार बार करना पड़ता है जी। दोबारा करके दिखाओ। ये चीज़ बार ऐसे करना पड़ता है बार बार? नहीं तो क्या होता है? नहीं फिर मैं आगे पीछे देख नहीं पाता ना। दाएं बाएं देख नहीं पाते आप? सेंटर में। कब से है ये दिक्कत? 3 साल से। 3 साल? यार बड़ा लंबा कष्ट लिए फिर रहे हो। इसी तरह करना पड़ता है जैसे कर रहे हो? करना पड़ता है, नहीं तो उससे रुकती है जो पटा बांधते ना। अच्छा, कौन सा पटा है वो? वो वाला सर, वो वैसे ही कोदर। दिखाइए भी जिसका कौन सा पटा है। वो कोदर है, ये वाला कोदर है। ये कैसे लगाते कैसे हो? ये अच्छा, इसको लगाते हो तो ठीक रहती है? हाँ, मान लो फिर ऐसे देख पाता ना। अच्छा 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 अच्छा, मैंने मटकती नहीं है। 3 साल हो गए इसी तरह चल रहा है काम? इसी तरह चल रहा है। अरे बाप रे, बड़ा कष्ट ले रहे हो यार आप, है ना। चलो देखते हैं आपका कोई हल निकल आया तो। गले में क्या डाला हुआ आपने? ये सर्वाइकल धागा है। सर्वाइकल का धागा? ये कहाँ से लिया आपने? इस्लामाबाद से लिया। इस्लामाबाद से? जो स्टोर नहीं बताते हैं वो स्टोर है। अच्छा, छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो। वहाँ पे देता है सर्वाइकल, करते हैं आपका कल्याण। गे को बांधते हुए कितने कितने महीने हो गए? हम 5-6 महीना लग गया। 5-6 महीना कोई फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, स्टार्ट हुआ कुछ? हाँ जी। देखना कैमरे में इसमें, मेरी तरफ देखना आपने। गर्दन सीधी रखनी है, इजी बैठना है। और कितने साल हो गए इसको? 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। अरे बाप रे यार, फिर रात को तो सोना भी मुश्किल होता होगा? हाँ, रात को भी मटकानी पड़ती है। अब पहले काफ़ी टाइम तक लेता था, अभी 10 दिन हुआ तक छोड़ा मैंने। हफ्ता 10 दिन हुआ तक छोड़ा हुआ है। अच्छा, रात को कई बार झटका लग जाता है, झटके मारने पड़ते हैं। करवट बदलते ना तो झटके मार के फिर दोबारा करवट। अच्छा अच्छा अच्छा, चल रही है? अब चल रही है जी। पहले थेरेपी वेरेपी करवाई है? हाँ, थेरेपी करवाई है पहले मैंने। करवाई है करनाल में? करनाल में डॉक्टर साहब ने पास, लेकिन आराम नहीं आया। आराम नहीं आया? एक मच्छी के टाइप की मशीन थी। नाम क्या है आपका? जय सिंह। जय सिंह। ब्रास? ब्रास से। अच्छा अच्छा, अपने निसिंग के पास ही पड़ते हैं। निसिंग के पास? निसिंग के पास पड़ते हैं गाँव। ठीक है, आगे चल। कुछ गर्म महसूस हो रही है? हाँ, गर्म महसूस हो रही है ना। स्पीड सी ऐसा कुछ लगा जैसे स्पीड सी बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ भी रही है और गर्मी भी महसूस हो रही है। हाँ, गर्म महसूस हो रहा है। कितने पैसे खर्च दिए इस पर आज तक? MRI वगैरह पे लगे। दूसरा जो डॉक्टर थे अपने हॉस्पिटल में काम करता ना। हॉस्पिटल में? हाँ, कौन से में? सिग्नेस हॉस्पिटल में काम करता। अच्छा, सिग्नेस में हो जी? ओके। वो भाई जी था ना जो आपके, वो मेरे पास ही आते थे ना जी, सीटी वगैरह कराई थी। अपनी मशीन है ना अपने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, MRI भी करा ली, सब करा लिया। उसमें कुछ नहीं आया जी? आता कुछ नहीं? कुछ नहीं आया। ठीक, बताता कि आपको आदत हो गई है। अच्छा, तो पागल थोड़ी हूँ मैं गर्दन को अपनी इतने झटके मारता हूँ यार। लोग अपने गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ के बैठना, इजी जहाँ जहाँ जाए जाने देना। बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ रहा है कुछ धीरे धीरे। हाँ, अच्छा सा फील हो रहा है। अच्छा सा फील हो रहा है, बढ़िया फील हो रहा है। आप तो यार जैसे मालिश क्या होते नहीं। हाँ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हॉस्पिटल में जॉब करते हो, आपको तो एक एक चीज़ की नॉलेज भी है ना। किस डिपार्टमेंट में काम करते हो हॉस्पिटल में? रिसेप्शन पे जी। रिसेप्शन पे जी, बिलिंग पे। नज़र कैमरे पे? दोनों सोफे पंप मार रहे जी। अब और अच्छा लग रहा होगा पहले से। इस साइड से थोड़ा गर्मैश। हाँ, जिधर उसको चाहिए उधर ही लेगा गर्मैश। किस तरह कर रही है ये पंप? जैसे थोड़ी लग रही है ना। हाँ, वो चीज़ है।
हुआ कभी ऐसा दिया किसी ने ऐसी थेरेपी? नो नो नहीं ना, सिर्फ मालिश की थेरेपी। चलो जी आगे। ढीला छोड़ के बैठना, झटकापन महसूस कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना। इतनी देर में तो तेरी गर्दन चार बार मटकानी पड़ जाएगी तेरे को। ऐसी है, ऐसी है ना। अब कहाँ जा रही है ये? ऊपर ऊपर तक, ऊपर है ना। हाँ हाँ, ऊपर तक जा रही है। बहुत बढ़िया। जहाँ तक ऊपर था, ऊपर दर्द था, वहाँ तक मटकानी पड़ती थी, वहाँ जा रही है ना। बहुत अच्छी बात। रिलैक्स बैठना, रिलैक्स, बड़े आराम से मेरे से बात करते रहो, एंजॉय करते रहो। पूरा पंप कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, फिर अब पंप फुल कर रही है। पर गर्माहट भी बढ़ रही है इसकी। बढ़ रही है ना। चलो जी, कंधों तक जब आए तो मुझे बता देना। नहीं, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर जा रही है अभी फिलहाल। दिक्कत ऊपर ही है ना, नीचे है ही नहीं। ऊपर और साइडों में जाना शुरू हो गया, जैसे नस के स्वाई और साइड है ना, इस साइड की, इस साइड जाना शुरू हो गया। ओके, आनंद आ रहा है ना? इधर मेरी तरफ देख के बात करो, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा सा फील हो रहा है। ओके, ऊपर एकदम जट पहन आ रही है। अस्पताल वाले भी अगर यहाँ ठीक होंगे ना तो मजा ही आएगा, है ना। अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डॉक्टर से ठीक। अब किधर है? दोनों साइड में है ना। अब दोनों साइड में जा रही, उस साइड में पहले चल रही थी, अब उस साइड में भी स्टार्ट हो गई। पहले इधर थी, अब इधर आ गई। हाँ, साइड में भी, अब दोनों साइड में स्टार्ट हो गई। क्या लग रहा है? जैसे नसों में कीड़ी चल रही है। चल काका, बढ़ जा। फुल पंपिंग स्टार्ट हो गई। कानों तक दोनों नसों में आ गए। है? कानों तक आ गए। कानों तक दोनों नसों में। ओके, कानों की नसों में भी आ गया। कानों की नसों में भी आ गया। अब हीट नहीं लग रही होगी? हीट नहीं लग रही, पंपिंग हो रही। कहाँ अभी गर्दन के सेंटर में? चलो जी आगे बढ़ो। तीन साल से इतना कष्ट कैसे सहन कर रहे हो यार? बस जी काम है, काम चले जा रहा है। हैं? वैसे जी पट्टे से काम चला लेता हूँ। ओए होए होए, मान लो कहीं आना जाना पड़ेगा तो बहुत कम अपने आप को रोक के कई बार। शादी शुदा हो? हाँ जी, शादी हो गई। कितने बच्चे? तीन। तीन,
अगर आपको आराम आ गया तो कितने लोगों को आराम करवा दोगे जिंदगी में? मेरे पास दो तीन और है जो मेरे स्टाफ मेरे साथ ही है। कितनी दुनिया को आराम करवा दोगे अगर आपके आपकी तकलीफ दूर होगी? पता लगेगा जिसको ये दिक्कत है उसको तो। आपसे बड़े सर्वाइकल तो होगा नहीं कोई, मैंने तो देखा नहीं इससे भयंकर सर्वाइकल अपनी जिंदगी में। सर्वाइकल तो अब तक मैंने बहुत देख ली है, जरूर दूंगा अभी वहाँ पे ऐसा है ये। पर आप जैसा सर्वाइकल मैंने नहीं आज तक जिंदगी में देखा। आपने? मैंने भी नहीं देखा इतना भयंकर सर्वाइकल। बहुत दिक्कत थी इसमें। हाँ जी, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी जब आपको अपनी गर्दन दो मिनट बाद झटकनी पड़ती है। मैं बाइक पे ही सफर किया। अच्छा अच्छा। गाड़ी चलती नहीं थी। गाड़ी चलती नहीं थी। गाड़ी की मालूम स्पीड बनाते झटका जे गाड़ी के पावर गाड़ी है सारी। ओके। और मैंने गाड़ी इतनी चलाई नहीं, मैं बाइक पे सफर करता हूँ। मैं सेंटर में जकड़ पकड़ हो गई। हाँ जी, सेंटर की पूरा जकड़ रहा है, सेंटर को पकड़ रहा है। ओके। वाइब्रेट कर रहा है। कंधे तक तो नहीं आया कुछ? ना ना, अब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है नस के, जैसे पहले जाना स्टार्ट हुआ था ना। कैसा लग रहा है? पूरा सेंटर में जैसे किसी ने जकड़ लिया। पंपिंग हो रही। आपको कैसा लग रहा है अभी? फिलहाल तो अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। ले पा रहे हो बड़े आराम से? पंप पूरा ले रहा है। कहीं ना कहीं क्लोट जमा हुआ है। हाँ लो जी, अब बैठ के देखो, थोड़ी देर उतार दिया ना जी। तभी वैसे अच्छा फील सा हो रहा है। हाँ जी, अच्छा सा फील हो रहा है। आप बोलोगे मैं तो पूछते ही नहीं। हाँ मुझे अच्छा सा क्योंकि मुझे तो पता है ना क्या क्या हुआ है। थोड़ा सा कहीं बार ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर सामने देखो। ढीलापन सा महसूस हो रहा है। हाँ जी, वैसे अकड़पन थी ना जैसे। हाँ ढीलापन सा महसूस हो रहा है। ढीली होगी ना, जो भी अकड़ा हुआ पन था निकल गया ना। कुछ हद तक सही लग रहा है। कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाए मेरे सामने। पहले से बहुत रिलैक्स सा फील हो रहा है अभी। गर्दन नरम सी हो गई है। नरम हो गई है जी जी। ओके। पहले तो बहुत टाइट सा होता था, यहाँ से खिंचाव होता था। मतलब तीन साल से गर्दन टाइट थी ना? ये टाइट थी गर्दन पूरी। अभी नरम हो गई? नरम सी हो गई, महसूस हो रहा है जैसे ये कुछ नरम हाथ तक, जैसे लग रहा है मक्खन का सिस्टम हो रहा है। जैसे भी मक्खन का सिस्टम नरम सी गर्दन मक्खन हो गई है। हाँ मक्खन सी हो गई, अकड़ी हुई चीज मक्खन हो गई। मक्खन हो गई, नसें पहले बिल्कुल टाइट हो जाती थी। पहले बिल्कुल टाइट थी, मतलब तीन साल से टाइट थी। अब मक्खन होगी। मक्खन सी ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ। थोड़ी देर बैठ लो, अभी थोड़ी देर बाद और पूछता हूँ, आराम से पूछूंगा। नरम नरम सी चेहरे पे रौनक भी लग रही है अब तेरे। हाँ चेहरे पे तो आपको पता भी कैसा है, पर नहीं खुशी तो लग रही है मुझे। वो कैमरा तो बता रहा है कि चेहरे पे रौनक है यार। जी जी जी। आपको महसूस तो आपको हो रहा है ना? दिक्कत तो आपको थी, मुझे तो थी नहीं। मेरी तो दिक्कत थी नहीं, आपको दिक्कत थी। अब चेहरे पे रौनक आने का मतलब ये मीठी मीठी जो मुस्कान है ना। हाँ। ये बता रही है बहुत कुछ। जी जी जी। है ना, नरम सा हो रहा है। इतने में तो कट कट की आवाज आ जाती थी। इतने में तो कट कट की आवाज आ जाती थी ना। अब तो नहीं आई ना? अब तो नहीं आई।
घुमाइयो जरा गर्दन को, अब तक झटका भी नहीं आया इतना खास, झटका भी नहीं आया, थोड़ा सा आया वो शायद अच्छा से चला जाएगा, दाएं बाएं घुमा के देख ले। यानी कि अभी पहले मोड यहाँ से इसका 400 हो जाता है ना इसका, हाँ वो नहीं हो रहा, अच्छा ना वो नहीं हो रहा, और आगे पीछे भी जा रही है, आगे पीछे भी जा रही है, दाएं बाएं भी जा रही है, दाएं बाएं जा रही है, बस थोड़ा नस ऐसा लग रहा है जैसे नरम सी हो गई है। अगर ये 25 मिनट में इतनी नरम हो गई हैं तो 25 दिन में क्या बन जाएगी ये, ये तो मुलायम सी हो जाएगी। जिस आदमी को 3 साल में कभी इतना आराम ना आया हो और 25 मिनट में इतना महसूस हो रहा हो, नरम सी हो गया पर पूरी टाइट थी ये जैसे, तो गजब हुआ ना आज। इसको करिश्मा कहेंगे या गजब कहेंगे आपकी भाषा में क्या कहेंगे? ये तो एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अलग से उसमें आ गया, दुनिया में आ गया बंदा, मान लो अपने जहाँ पे जकड़ने थे जैसे जेल खाने में था ना जैसे जो था वो हिसाब से। तो ये मैडम का भला होगा ना जिसने आपको यहाँ ले आई। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने काफ़ी टाइम दिन से एड्रेस बताया था पर मेरे आने का टाइम लगा, मैम को बोला था मैम ऐसा करो आप मुझे वहाँ तक एक बार छोड़ दो आगे मैं अपने आप देख लूँगा। चलो अब फ़ोन उठाओ और मैडम को फ़ोन करो आप, अब तो फ़ोन को हाथ लगा सकते हो आप, फ़ोन मिलाओ मैडम को। और क्या लग रहा है आपको, उनका दो बार फ़ोन आ गया ना आपके पास? हाँ दो बार आ गया। अब उनको बोलो भी मुझे ये लग रहा है, बहुत कम झटके नहीं तो पहले बहुत ज़ोर से लगता था झटका। फ़ोन बंद आ रहा है मैडम का, चलो कोई बात नहीं, आपके चेहरे पे खुशी आई है ना? जी जी जी, तसल्ली होगी। हाँ जी हाँ जी, इसको आप कंटिन्यू रखना आप, अभी एक महीना लगातार। मॉर्निंग किस टाइम आना है सर? नहीं नहीं मैं आपको बता दूंगा सिस्टम आगे का, ठीक है जी जी। ओके ओके, चलो हंस के दिखा लो यार। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी।